अब तो भैया भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही उन दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए, पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे, ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि अब राम जी पर भरोसा, आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया, अब आपको तो मंदिर अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसका ना फोटो लगाना चाहिए, राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं। भैया आप जो भी आ जाए फिर आप हमको बेकार के सवाल में मत उलझाइए, हमने एक बार में आपको बोल दिया उनकी तरक्की कितनी हो रही है तो आपके आंख के सामने है। बिल्कुल नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मेरा तो ये पूरा जो प्रयास है वो इसी विचार पर आधारित है कि जब तक समाज में लोगों को जागृत नहीं किया जाएगा तब तक राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। इसलिए हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम कहाँ हमने दल बनाया है, हम तो समाज के स्तर पर ही प्रयास कर रहे हैं। अब स्वाभाविक तौर पर बिहार में ऐसा कोई प्रयास पहले कभी हुआ नहीं है तो लोगों को लग रहा है कि भाई इससे क्या होगा। देखिए एक MLC अफाक अहमद जीते तो लोगों की ज्यादा दिलचस्पी उसमें है, जो विचार जो प्रयास हम कर रहे हैं वो तो अफाक अहमद के जीतने के पहले भी उतने ही ईमानदारी से कर रहे थे, अभी भी उतने ही ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन समाज तो आपको भी पत्रकारिता करते करते वही आदत लग गई है, आप भी वही धीरेन्द्र शास्त्री जातीय जनगणना कौन जीता कौन हारा, आप लोग भी समाज के स्तर पर चेतना आ रही है कि नहीं, कुछ बदल रहा है कि नहीं, लोग सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने जाति की बात की, आपने ये नहीं पत्रकार के तौर पे देखने समझने का प्रयास किया कि पिछले 9-8 महीनों से हम हर जाति हर गांव में गए हैं, कहीं आपने सुना कि किसी जाति ने विरोध किया हो इसका?